पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं को संदेश है मेरा कि आज पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके आवास पर मिला हूं और उनको सभी बातों से अवगत कराया। यद्यपि मुख्यमंत्री जी को खुद जानकारी थी और प्रथम बार जब मैं उनसे मिला था आचार संहिता से लगने से पहले, तो उन्होंने उस समय भी आदेश किया था कि होम सेक्रेटरी को कि इसमें आयु सीमा बढ़नी चाहिए, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण जो है मामला आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके बाद एक सप्ताह पहले मैं फिर मिला था, उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम सेक्रेटरी को फाइल प्रस्तुत करने के लिए अपने पास बुलाया था। आज पुनः जब मैं मुख्यमंत्री जी को मिला तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने होम सेक्रेटरी से दूरभाष पर वार्ता करी और कहा कि हर हालत पर युवाओं को अवसर मिलना चाहिए और पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा बढ़नी चाहिए। इसके एक घंटे के उपरांत ही सचिवालय से भी मुझको गृह विभाग से फोन आ गया कि हम लोग फाइल को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा आवेदनकर्ता जो इच्छुक हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए, मेरा उनसे यही कहना है कि थोड़ा सब्र और धैर्य बना के रखें। हमारी कोशिश होगी कि जो नौजवान पिछले 8 वर्षों से भर्ती न निकलने के कारण वंचित थे, उन सभी को, अधिकांश लोगों को अवसर मिले, ऐसी कोशिश सरकार की है और सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशील है। इसलिए नौजवान अपनी जो भी उनको तैयारी करनी है अपनी तैयारियां करें। हम आशा ही नहीं अपितु पूरा हमें विश्वास है कि सबको अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद।